बिहार सरकार ने कहा कि दुनिया भर के पर्यटक यहां ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को देखने आ रहे हैं। धार्मिक स्थलों को देखने और पूजा अनुष्ठान करने में लाखों की संख्या में लोग रुचि ले रहे हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पारंपरिक छठ पर्व को एक पर्यटन उत्सव के रूप में बनाने की योजना की जा रही है, जिसमें टूर पैकेज के माध्यम से देश भर के लोग छठ पूजा आयोजन को देख सकते हैं। बिहार में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं भी पैदा करती है। राज्य सरकार इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। अब पारंपरिक छठ पर्व को एक पर्यटन उत्सव के रूप में बनाने की योजना की जा रही है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पर्यटन मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के निर्देश पर पर्यटन विभाग की ओर से आधुनिक सुविधा युक्त होटलों का निर्माण एवं विकास, परिवहन के साधनों का विकास, अहम पर्यटक गतव्यों का रोपवे निर्माण की पहल की गई। इस मौके पर मंत्री ने 640 करोड़ से अधिक की पर्यटक विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 509.78 करोड़ की नई योजना पर काम शुरू है, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए 135 करोड़ की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हाल ही में मिली है। इस राशि से गया के विष्णुपद मंदिर, गया जी धर्मशाला, राजगीर के सम्राट जरासंध स्मारक, जमुई में गहरी डैम और औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में माता जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुनौरा धाम में 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर नया प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। इधर केंद्र सरकार के द्वारा अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच राम जानकी मार्ग का निर्माण भी किया जा रहा है। इस सड़क से पुनौरा धाम को जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भी पुनौरा धाम तक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा।